वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। गाइस आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं, मालूम है कि आप सब अच्छे हैं। और गाइस आज मैं उठ तो जल्दी गई थी, लेकिन आपको ब्लॉग दिखा रही हूँ अभी 8:30 बजे। गाइस बस वही सुबह की दिनचर्या चालू हो रही है, तो फ्रेश हो के बाद फिर झाड़ू पोछा, फिर नहाओ, फिर पूजा करो, फिर खाना बनाओ, बस यही काम, यही काम होता रहता है। ठीक है, हर्ष और हर्ष के पापा अभी सो रहे हैं और मेरा काम तो चालू है, पोछा लग रहा है गाइस। उसके बाद हम जाएंगे नहाने के लिए, फिर बनाएंगे खाना। तो गाइस आज का मौसम भी ठीक ठाक ही है, क्योंकि ना हल्के हल्के धूप निकल लगा है। ये देखिए ये है, कपड़े भी सूख रहे हैं, दो दो दिन में कपड़े सूख रहे हैं। तो गाइस अपना काम कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनी ब्लॉग। तो गाइस सुबह का टाइम हो रहा है 9:25। गाइस मैं सोकर उठ चुका हूँ, आज मैं जल्दी उठ गया और यहाँ पर मेरा बनाना शेक आ चुका है, पर इसका कलर आज बिल्कुल चॉकलेटी क्यों नहीं है? क्यों? बिल्कुल एकदम वाइट। चलो तो पीते हैं। वाह, बाहर का मौसम मस्त है आज, लेकिन उतना मतलब थोड़ी बहुत धूप निकली है, देखो रोड पे दिख रही होगी। बाद ये मैं बैठ के मस्त पियो। क्या हवाएं लग रही हैं रे, बस मेरे पेड़ों को कोई दिक्कत ना हो, जल्दी और बारिश होने लगे तो मेरे पेड़ अच्छे हरे भरे हो जाएं। तो गाइस पीते हैं मस्त बनाना शेक, ख़त्म ही होने वाला है, 3-4 घूट में ख़त्म कर देंगे, फिर मिलते हैं आप लोग से। गाइस तो यहाँ पर पापा मुझे लेकर जा रहे हैं कार सिखाने के लिए। मैंने तो बुलेट का बोला था, पापा मुझे कार ही सिखाने लगे। गाइस अब मेरे को टेंशन हो रही है कैसे सीखूंगा मैं। तो गाइस चलो चलते हैं, देखते हैं कैसे चलाते हैं कार, देखते हैं। गाइस चलो चलते हैं, मौसम अच्छा है ना, चलें। चलो 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 चलो, अभी चप्पल पहनते हैं अपन, चप्पल वो है। वैसे तो कहते हैं कि बिना मतलब चप्पल उतार के गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या रहता है अपन को पता रहता है। चाची भैया चला गया, मैं तो जा रहा कार सीखने, पापा मुझे कार सिखा रहे, फिर बाद में हम चाची को घुमाया करेंगे गाड़ी में। चाची और मम्मा दोनों को, और किसी को नहीं घुमाएंगे हम, जा रहे कार सीख भी। हाँ गाइस तो हम लोग ग्राउंड आ चुके हैं, और गाइस इस ग्राउंड में मैं सीखने वाला हूँ गाड़ी चलाना, और मेरे को तो लग रहा है डर। पापा अपने थोड़े कॉल आ गए थे, बात कर रहे हैं। इस ग्राउंड में चलाऊंगा गाइस, अभी तो गाड़ी चालू है, चला दूं क्या गाइस? इसमें कन्फ्यूजन होती है, देखो ये है ब्रेक, नहीं नहीं ये क्लच है, ये ब्रेक और वो एक्सीलेटर। हाँ और फर्स्ट गियर लगता है, ऐसे करो ऐसे करो फर्स्ट गियर, और न्यूट्रल करने ऐसे ऐसे न्यूट्रल, और सबसे पहले अपन को हैंड ब्रेक, ये हैंड ब्रेक रहता है ना उसको नीचे करना पड़ता है। इतना तो मेरे को समझ आ गया है, बस मेरे को दिक्कत रहता है किस चीज़ में होती है, कि अपन लोग जब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो अपन लोग को क्लच धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है और एक्सीलेटर को धीरे धीरे लेना पड़ता है। अरे सॉरी हाँ ऐसा ही रहता है ना, हाँ ऐसा ही रहता है। तो मैं कभी कभी जल्दी से छोड़ देता हूँ तो बंद हो जाती है गाड़ी, तो वो इसी में दिक्कत होती है। तो चलो देखते हैं क्या होता है, एक दो बार तो बंद होगी,
और ज़्यादा ही बार हो सकती है गाइस। तो यहाँ पर अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने 3 राउंड लगा लिए हैं, पापा साइड में बैठे थे, लेकिन अब पापा हमारी वीडियो बनाएंगे और हम अकेले गाड़ी में रहेंगे, तो पापा बनाने वाले वीडियो, तो डर लग रहा है। नहीं, डरने की कोई बात नहीं, डरना नहीं है बस। तो अब चलो पापा बना रहे हैं, क्लच पे दबा देते हैं। धीरे 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 बढ़ते हैं। ऐसी लाओ हर्षो, हर्षो वैसे ही रोको, वैसे ही बने ना। बल्ले बल्ले जी गए। वेरी इजी गाइस, वेरी इजी। अपन गेम में चलाते ही रहते हैं गाड़ियाँ, वैसे ही करना है काम। बस इसको याद रखना है कि कौन सा क्लच है, कौन सा ब्रेक है और कौन सा एक्सीलेटर है, बस ये 3 चीज़ें याद रखना है, और गियर का याद रखना है। क्लच पूरा दबाते हैं लेकिन ब्रेक एकदम ही पूरा नहीं दबाते, धीरे धीरे करके ब्रेक दबाते हैं। कैसी चलाई? तो गाइस फर्स्ट गियर में तो मैं धीरे धीरे सीखता जा रहा हूँ, अभी और दिन थोड़ा लगाएगा, फर्स्ट गियर में अपन सीखेंगे, फिर बाद में अपन सेकंड पे आएंगे, फिर थर्ड, ऐसा खराब कर देगा गाड़ी। क्यों, क्या कह रही थी? खराब कर देगा है? क्यों बोला जानबूझ के? अच्छा पापा कैसे चलाई? पहले दिन कैसा था हमारा? फर्स्ट बार के हिसाब से अदर लोगों से भी बेस्ट था। हाँ, सिस्टम जो होता है दिमाग में समझ नहीं कर रहता है, और समझ आ गया मेरे। गाड़ी चलाते समय बिल्कुल डर नहीं अंदर होना चाहिए, रिलैक्स। मैं बताता हूँ गाइस फर्स्ट गियर में कैसे चलाते हैं अपन लोग गाड़ी। देखो सबसे पहले अपन ने हैंड ब्रेक हटा दिया है, फिर बाद में सबसे पहले अपन लोग ने पूरा क्लच दबाया, फिर पूरा ब्रेक दबाया, फिर बाद में अपन लोग ने गियर लगाया फर्स्ट, फिर बाद में अपन लोग को क्या करना है, पूरा ब्रेक छोड़ देना है, फिर धीरे धीरे एक्सीलेटर देना है और धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, दोनों एक साथ होना चाहिए। अगर तुमने दोनों में भी थोड़ी सी भी दिक्कत करी, जल्दी से ये छोड़ दिया और वो धीरे धीरे लिया, तो तुम्हारी गाड़ी बंद हो जाएगी। हाँ, ऐसे करके चलानी है तो गाइस। और जब तुम्हें रोकनी हो तो फिर से पूरा क्लच दबाया, पूरा ब्रेक दबाया, रुक गई गाड़ी, और फिर बाद में न्यूट्रल कर ली, मजा आ गई। तो चलो गाइस अपन लोग मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस तो यहाँ पर अपना खाना आ चुका है, और गाइस खाने में है मस्त भिंडी की सब्जी और खीर और दाल और नमकीन और रोटी गरम गरम एकदम, आई हाय हाय। तो जल्दी से खाना खाते हैं गाइस, पंखा चल रहा है, टाइम नहीं लगता गाइस बारिश के मौसम में। जल्दी से खाना खाते हैं, फिर उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। ये बनाया है हमने, ये देखिए गाइस भैया ने क्या बनाया है। अरे वाह यार क्या बढ़िया बनाया है। आजकल भैया ना गाइस इतने मस्त मस्त ड्राइंग करने लगा है ना भैया कि बता नहीं सकते। इसको थोड़ी सी ना अपन क्या वो सिखाने के लिए भेजे ना, तो इतना बढ़िया आर्टिस्ट बना है। क्या संडे को जब हम जाएंगे कार सीखने तो आपको भी ले चलेंगे, और आप देखना हम कैसे चलाएंगे। आप हमारे साइड में बैठना। आपको पता है हर्ष ने फोर व्हीलर चलाई है फर्स्ट टाइम। पता होगा, देख लिया हमने। अभी कहाँ से देख लिया? क्यों, इसके पहले तो आएगा वो वाला। तो गाइस हम तो अभी बता रहे हैं ना। अब हम जब वीडियो बनाएंगे तब हम बताएंगे, है ना? अच्छा गाइस, उसने पहले बनाया तो वो पहले बताएगा, है ना? रुद्र भैया सबसे पहले क्लच दबाओ, फिर पूरा ब्रेक दबाओ, अभी फिर पूरी कहानी सुनाएगा।
अरे याद रहता है इससे। हाँ। देखो पहले पूरा क्लच दबाओ, पूरा ब्रेक दबाओ, गियर लगाओ, देखो ऐसे करके ऐसा पता है फर्स्ट गियर लग गया, फिर बाद में ब्रेक पूरा छोड़ दो, फिर धीरे धीरे एक्सीलेटर लो और क्लच को धीरे धीरे छोड़ो, और फिर पूरा जब तुम्हारा क्लच मतलब पूरा छूट जाए फिर उसको पैर नहीं रखना जब तक तुम्हें गाड़ी नहीं रोकनी, जब तक है फिर जब गाड़ी चला ली और जब तुम्हें रोकनी हो तो फिर से तुमने पूरा क्लच दबा दिया फिर पूरा ब्रेक दबा दिया तो गाड़ी तुम्हारी रुक गई। पूरा क्लच नहीं दबाना पड़ता है, पूरा क्लच साथ साथ में दबाना नहीं, साथ साथ में नहीं, पूरा क्लच दबा दो पूरा ब्रेक दबा दो तो तुम्हारी गाड़ी रुक जाएगी, फिर वहां तुम अपना गियर न्यूट्रल कर लो। ये फर्स्ट गियर की गाड़ी रखी है, चलना है चले चलो चलो आती है मैं फर्स्ट गियर में चले अपन। गाइस तो मैं जिम से होकर आ चुका हूँ और गाइस पसीना पसीना तो हो ही चुका हूँ। माँ टीवी बंद करो। माँ पता है हमें जिम में एक यूट्यूबर मिले, उनके पता है कितने सब्सक्राइबर हैं? 4 लाख। हाँ फिर क्या? मूवी टाइप की शूटिंग करते हैं वो, कैसे? जैसे वो है ना आशीष उपाध्याय बुंदेलखंड में कॉमेडी, और वैसे ही जंगलों में फाइटिंग वाइटिंग गुंडे आ रहे हैं ये दिया मिला के। हमने अपना बताया तो हमने कहा भैया हमारा तो ग्रो ही नहीं हो रहा, फिर लगे रहो होगा होगा। हमने कहा अब कल हम उनसे बोलेंगे भैया हमारा भी थोड़ा करवा दो यार भैया यार। हाँ और एक और मिले पर उनके 70-80 हैं, वो भी ब्लॉग बनाते हैं और फैमिली ब्लॉग मतलब वही डेली लाइफ कहते हैं। पहले हमने एक 9 महीने पहले एक डाला था, फिर उसके बाद में अभी हमने डालना शुरू करा है। हमने कहा हमने इतने डाल दिए, कहते अरे इतने सारे, हमने कहा तो भी वायरल नहीं हुआ। कहते अच्छा सही है, लगता है टाइम लगता है। तो हमने भी तुमसे कहा है 4 लाख, हमने कहा है दूंगा भी एक से बढ़कर एक यूट्यूबर है, हमें पता ही नहीं हम उनके साथ जिम करते हैं। वो हमें बता देंगे एक्सरसाइज करो। ये है भैया तुमने बताया नहीं ना, हमने चैनल का नाम उनसे सब्सक्राइब कर लिया है, हमने चैनल अपन देख रहे हैं अभी यूट्यूब पे एक आध वीडियो। तो गाइस मिलते हैं आप लोग से कपड़े चेंज करने के बाद। गाइस हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर चौपाटी में मोमोज खाने के लिए, छुटकू भाई खिलवा रहे हैं। छुटकू भाई का बर्थडे था 31 को, 29 को छुटकू भाई का बर्थडे था। और आज कितनी तारीख है? आज 1 तो बहुत सही टाइम पे छुटकू भाई आया है, तो हमने इनको पकड़ लिया कि अरे आपका तो बर्थडे था, तब छुटकू भाई वाओ मोमोज खिलवा रहे हैं। वैसे तो हम लोग खाते हैं श्रीराम मोमोज, लेकिन वो आए नहीं है, तो हम लोग आए हुए हैं वाओ मोमोज खाने के लिए। तो वेट करते हैं, हैं कभी नहीं आते श्रीराम मोमोज, कभी नहीं आते, छुटकू के नसीब में ही नहीं है श्रीराम मोमोज। तो अब इंतजार करते हैं मोमोज का, वाओ मोमोज स्टीम मोमोज मंगाए हैं। गाइस तो घर आ चुके हैं और गाइस मोमोज का दिखा ही नहीं पाए कि आपने मोमोज जब आए तो आपको दिखा नहीं पाए, क्योंकि गाइस बूंदाबांदी होने लगी थी, बारिश मतलब होने लगी थी थोड़ी थोड़ी, तो हम लोग को लग रहा था कि जल्दी मतलब बारिश होने लगी तो फिर हम लोग घर कैसे जाएंगे, इसलिए हम लोग जल्दी से आ गए खाकर। और छुटकू घर चला गया है कि लाइन आके अपनी नानी के घर पे। तो गाइस हम भी घर आ चुके हैं, तो गाइस हम इस ब्लॉग को एंड कर दे। गाइस अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग क्लिक कर देना लाइक, चैनल पे नए चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं कल से के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।